फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही मेजर टॉपिक पे एक वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास हर समय आती ही रहती है और बहुत टाइम बाद मैं इस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी एक टाइम पर आई थी, ऐसी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को भी एक टाइम पर आई थी और ऐसी प्रॉब्लम घर के बड़ों को भी आती ही आती है। तो मैं बात कर रही हूँ नींद पे। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है और वो रात रात भर जागते हैं, इवन उनको मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं। हम लेडीज़ भी हैं, हम लोगों को कितने ज़्यादा काम करने होते हैं मॉर्निंग में उठ के, लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचते सोचते, बहुत सारी प्रॉब्लम अगल बगल सोचते सोचते हम स्ट्रेस में सो नहीं पाते हैं पूरी रात। इवन बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, इसलिए हम पूरी रात नहीं सो पाए। तो प्रॉब्लम अलग अलग है, मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं और सबका सोल्यूशन मेरे पास है। मैं आज आपको सोल्यूशन दूंगी और वो भी नेचुरल तरीके से, कि नेचुरल तरीके से आप किस तरह से आपको नींद आएगी। कोई भी आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, यानी कोई भी आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। मैं बहुत ही नेचुरल तरीके से आज आपको बताऊंगी कि आपको नींद आएगी। जो चीज़ मैं बताऊंगी इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, इससे आपको नींद बहुत ही वैसी वाली आएगी। मतलब ये नहीं है कि आप सो गए, बेहोश हो गए दवाई खा के आप सुबह देर से, नहीं। जो नेचुरल नींद होती है, यानी कि जो नेचुरल आप 10 बजे सोते हो और आपकी नेचुरल तरीके से नींद जो सुबह 6-7-5 बजे खुलती है, उस तरह से आप नेचुरल वे में सो गए। ये नहीं कि आप नींद की दवाई खा के बस सो गए, अब 10-11 बजे सो के उठे, ऐसा नहीं होगा। ये जो चीज़ मैं बताऊंगी सबसे अच्छी मुझे इस चीज़ की जो मैं बात कर रही हूँ, सबसे अच्छी मुझे यही लगी और मैं आप लोगों को भी ये चीज़ इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं मुझे लेते हुए इसे काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे हस्बैंड को भी लेते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हम लोगों की रूटीन मॉर्निंग में 5 बजे से स्टार्ट होती है और रात में 10 बजे तक चलती ही रहती है। तो हम लोगों के पास सोने के लिए सिर्फ रात होता है और उस रात को अगर हमने स्किप किया तो हम लोगों का नेक्स्ट डे पूरा ही ख़राब होने वाला है। इसलिए नींद में हम कोई भी जो है बिल्कुल भी उसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को मैंने ढूंढा और मतलब कि गूगल पे सर्च किया और मुझे बहुत, और मैं चाहती थी कि मुझे बहुत नेचुरल तरीके से नींद आए, मैं कोई भी मेडिसिन मुझे ना लेना पड़े ऐसी वैसी, जो मैं सो गई तो सो गई, क्योंकि मॉर्निंग बहुत ही जल्दी से हमें स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बकबक को थोड़ा कम करते हुए मैं दिखाती हूँ कि मैं ऐसी क्या चीज़ लेती हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, सो मैंने नेचुरल स्लीप ऐड की और मुझे इस टैबलेट की सबसे खास बात ये लगी कि ये 100% नेचुरल है। मतलब कि आप शंख पुष्पी के बारे में जानते हैं, आप अजवाइन के बारे में जानते हैं, ये उन चीज़ों से बनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने एलोपैथ की दवाई ली या कुछ भी, मैंने इस तरीके से। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इसे खाने लगोगे तो आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे, आपको इसे लेना ही लेना है सोने के लिए, नहीं। ये जस्ट लाइक एक थेरेपी की तरह आपके साथ काम करेगी कि अगर आपने इसे कुछ दिन लिया उसके बाद आपको नेचुरल तरीके से नींद आने लगेगी। और इस मेडिसिन की सबसे खास बात यह है कि ये आपके स्ट्रेस को भी कहीं ना कहीं उसे बहुत ही अच्छे से माइंड को आपको कन्वर्ट करेगी और नींद आपको आएगी। मतलब नींद हमें इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम स्ट्रेस ले लेते हैं, हम किसी बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इसको खा के आप बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचोगे, आपकी स्ट्रेस निकलेगी। तो चलिए एक छोटा सा इसका मैं पूरा आपको दिखाती हूँ, रिव्यू दिखाती हूँ, प्राइस बताती हूँ, कैसे लेना है, कब लेना है और किनको नहीं लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं इसका एक छोटा सा। तो फ्रेंड्स, ये है सोमानी नेचुरल स्लीप ऐड, नेचर श्योर की 100% नेचुरल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ। 90 कैप्सूल्स में आता है और 100% वेजिटेरियन है। जो प्राइस है इसका 780 और आपकी नींद क्या गया, आई थिंक ये 780 कोई भी मायने नहीं रखता। और मैंने इसके इंग्रेडिएंट को ही देख के परचेज किया है, इसमें ब्राह्मी है, इसमें शंख पुष्पी है, इसमें अजवाइन है, पिपला है, मूल है, मतलब कि सब ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं देंगी। आप इसके एडिक्टेड नहीं होगे, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने इसे खा लिया तो आप इसके एडिक्टेड हो गए, नहीं। कि जस्ट लाइक थेरेपी की तरह आपके साथ काम करेगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं नींद लाने में एक टाइम के बाद आपको नेचुरल तरीके से नींद आएगी बिना किसी इसको लिए भी।
पैकेजिंग की बात करूँ तो नेचर श्योर की पैकेजिंग मुझे हमेशा से काफ़ी अच्छी लगी है, और इसमें लिखा भी हुआ है साफ तरह से ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगा। और जैसे कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जरा सी भी खटपट हुई वो तुरंत जग जाते हैं, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से हील करेगा। और मतलब बहुत तरह से ये आपके साथ काम करने वाला है, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड आपके साथ काम करने वाला है। और लीजिए, और टैबलेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की टैबलेट्स में ये आता है। तो इस तरह की टैबलेट्स में आता है, और ये इस तरह की टैबलेट्स इसलिए हैं बिकॉज इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मतलब सारी नेचुरल चीज़ें हैं, तो इस तरह से काम करेगा। और लेने की बात करूँ तो आपको रात में लेनी है एक टैबलेट, और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये आपको नहीं रिलीफ दे रही है तो आप एक मॉर्निंग में ले सकते हैं, वरना रात में आप दो टैबलेट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेग्नेंट और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो नहीं लेंगी, और आप जब भी आपका डे एक्टिव होता है उससे पहले आपको ये नहीं लेना है। ये चीज़ मैं बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और मतलब कि बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, आपकी नींद पूरी तरह से अब आपको नेचुरल तरीके से आएगी, आयुर्वेदिक तरीके से आएगी, जैसा कि मैं बार बार चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हूँ आपको कि ये आपके साउंड स्लीप, यानी कि अगर आपको इधर उधर की आवाज़ें बहुत ही जल्दी खटर पटर से आपकी नींद खुलती है, ये उसको बहुत अच्छे से करेगा रिलीव, स्ट्रेस को बहुत अच्छे से रिलीव देगा और आपको शांति देगा। सबसे अच्छी बात है कि आपको कामलेस बनाएगा, आपको कोई भी इधर उधर की चीज़ें सोचने नहीं देगा, मतलब बहुत। और जब आपको शांति होगी तभी आपको नींद आएगी। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया है कि इसे कैसे लेना है, कब लेना, किन लोगों को नहीं लेना है। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। कैसे लेना है, कब लेना है, ये पूरी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं 3 घंटे से पहले, मतलब कि जब आप इसे लें तो आप पूरी तरह से फ्री हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसे ले लिया जस्ट 3 घंटे बाद आप जिम ज्वाइन करने जा रहे हो या 3 घंटे बाद आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको जब इसे लेना है, जब आप सोच रहे हो कि अब मुझे सोने का है, यानी कि 4 बेड आपको इसे लेना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय आपको नहीं लेना है, और एक्सरसाइज करने से पहले आपको नहीं लेना है, मतलब ये बस सोच लेना है तभी आप इसे लीजिएगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद है हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक।